हेलो चिल्ड्रन, मिसिंग यू वेरी ऑसम। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, स्पेशली क्लास 11। टुडे हियर वी आर इन आवर लेक्चर नंबर 8 एंड द लेसन इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एंड चैप्टर 1 इज स्टिल इन प्रोग्रेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू टॉपिक इंडस्ट्री। लास्ट लेक्चर वी हैड स्टडी अबाउट इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। कॉमर्स का टॉपिक जो है हम लोग लास्ट में भी टुमारो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था क्या पहले, प्राइमरी सेकेंडरी एंड ट्रेजरी ना। हमने तीन इंडस्ट्री पढ़ा था, प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ा था, सेकेंडरी पढ़ा था, ट्रेजरी इंडस्ट्री पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है डिटेल इन अबाउट इंडस्ट्री। टॉपिक इज डिटेल इन अबाउट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में, हम कितने टाइप्स के इंडस्ट्री होते हैं, कौन सी इंडस्ट्री का क्या काम होता है और कैसे क्या प्रोडक्शन किया जाता है, उसी के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला इंडस्ट्री हमारा क्या है, वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। आपको मैंने पहले ऑलरेडी बताया था व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। इट इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन विच एनी प्रोडक्शन इज डन बाय द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। अब उसी प्राइमरी इंडस्ट्री को दो इंडस्ट्री दिया गया है। प्राइमरी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को दो इंडस्ट्री में बताया जाता है। एक आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। देखिएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री को दो टाइप में बांटा गया है। एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। आप समझिएगा प्राइमरी इंडस्ट्री का ये पार्ट्स है। प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का क्या होता है, ये क्या करता है, ड्रॉ आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा कि नेचर से जो सामान बनाया जाता है उसे प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं, और नेचर से कई सिस्टम से सामान बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री क्या होता है, जो मटेरियल, एग्जांपल सही से देखिएगा, जो भी मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्स से बनाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइनिंग, इन द फॉर्म ऑफ फार्मिंग, दिस ऑल नोन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जमीन की खुदाई करके किसी चीज को प्रोड्यूस करना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। जमीन की खुदाई करके या नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करके किसी चीज का प्रोडक्शन करना, ये भी पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो जाता है। अब आइए कहेंगे सर ये जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है। जेनेटिक इंडस्ट्री इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री ब्रीडिंग प्लांट्स ऑफ एनिमल्स, ब्रीडिंग प्लांट्स ऑफ एंड एनिमल्स। प्लांट्स भी नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है, एनिमल्स भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज होता है ना। प्लांट्स भी नेचुरल रिसोर्सेज में आता है, एनिमल्स भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। तो ये क्या होता है, जब हम प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, बनाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स को जब हम इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, बनाते कैसे, देखिए पोल्ट्री फॉर्म एग्जांपल लीजिए। पोल्ट्री फॉर्म में क्या होता है, हेन कॉक क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, एक बनाया जाता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है ना, ये भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। लेकिन इसके फॉर्मेशन क्या है, ये मोस्टली एनिमल्स और प्लांट्स में लागू होता है। जहां पे एनिमल्स और प्लांट्स का रिफॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, उनका बर्थ होता है मल्टीपल कई क्वांटिटी में, ऐसे इंडस्ट्री को हम जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोडक्शन डन बाय फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। इन प्राइमरी इंडस्ट्री मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। नंबर वन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री इन विच एनीथिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय इन द फॉर्म ऑफ फार्मिंग माइनिंग बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एंड जेनेटिक इंडस्ट्री प्रोडक्शन इज डन इन मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ
प्राइमरी इंडस्ट्रीज। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, आपको क्लियर भी हो गया होगा। कोई आपसे पूछे इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री का डिफिनेशन मैं आपको वन सेकंड बता देता हूँ। प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट प्रोडक्शन इन बल्क क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ट्रेडरी इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और डोज इंडस्ट्री, प्रोडक्शन डन बाय नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ माइनिंग एंड व्हाट फार्मिंग। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। इट विल वी कैन से दैट ब्रीडिंग एंड प्लांटिंग ऑफ एनिमल्स, ब्रीडिंग एंड प्लांट, ब्रीडिंग प्लांट्स ऑफ एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। नाउ हियर सेकेंडरी इंडस्ट्री कम्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ना सेकेंडरी इंडस्ट्री कम हियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स इट इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग, इट इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग, किसी चीज का प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हो, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थर्ड, कई प्रोसेसिंग में उसका प्रोडक्शन होता है, ऐसे इंडस्ट्री को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एग्जांपल ले लीजिए, किसी चीज को आपको बनाना है, आप ले लीजिए शुगर केन का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुगर केन का, उसमें क्या होता है प्राइमरी में बनाया जाता है ना रॉ मटेरियल कलेक्ट करके, सेकेंडरी में फिर उसको रस निकाला जाता है, उसके बाद उसका क्या बनाया जाता है शुगर बनाया जाता है ना, गुड़ बनाया जाता है, कई सारी क्वालिटीज की बनाई जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग पहला प्रोसेस उसको लगाया गया, दूसरा प्रोसेस उसको कट ऑफ किया गया, तीसरा प्रोसेस उसको निचोड़ा गया, चौथा प्रोसेस उसको पकाया गया, पांचवा प्रोसेस उसको कंप्लीट तैयार किया गया, तो आपका क्या हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब आपका आया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का आपको आसानी से इसका मतलब समझ में आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये पार्ट है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है, बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स एंड कैनाल्स, व्हाट फैक्ट्रीज, मेनी कंस्ट्रक्शन ना, हाउस, लैंड, रोड्स ना, दिस ऑल आर कम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री ऑल्सो। ये भी आपका किसका पार्ट है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये भी पार्ट है। थर्ड आया ट्रेजरी इंडस्ट्री। ट्रेजरी इंडस्ट्री में आप आ सकते हैं बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, एटीसी। मतलब बैंकिंग, सारे इंडस्ट्री को किसकी जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस, मनी, विदाउट मनी यू कांट सेट अप इंडस्ट्री। बिना पैसे का आप क्या इंडस्ट्री नहीं बना सकते हैं। तो और वो पैसा, वो सपोर्ट जो हम बैंक से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट ट्रांसफर लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी सीसी लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ये सब अब आपका एक ट्रेजरी इंडस्ट्री आता है, ट्रेजरी इंडस्ट्री आता है। बैंक भी आपका एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे कई सारे एम्प्लॉई एक साथ काम करते हैं। काम क्या करते हैं, वो बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, इनकम को जनरेट कराते हैं, वो प्रॉफिटेबल बन देते हैं, बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं ट्रेजरी इंडस्ट्री कहते हैं। आई होप कि ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। क्लास 7 के स्टूडेंट, मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा दिया बेटा। कोई भी आपसे इंडस्ट्री के बारे में पूछेगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, आपसे एक इंडस्ट्री पूछेगा आप सारे इंडस्ट्री को एक्सप्लेन कर दोगे। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। वन सेकंड, आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस होल टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टडी अबाउट कॉमर्स इन डिटेल। टुडे वी आर स्टडीइंग हियर इंडस्ट्री इन डिटेल एंड नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉमर्स इन डिटेल एंड द लेक्चर नंबर 8 इज स्टिल इन प्रोग्रेस। योर बिजनेस स्टडी बुक चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। लास्ट चैप्टर, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट व्हाट फीचर्स एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडस्ट्री इन डिटेल। इंडस्ट्री इन डिटेल, इंडस्ट्री इन डिटेल, हियर वी आर गोइंग टू नो
प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री कम्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, दीज आर द पार्ट्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. ट्रेडरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज बैंकिंग सेक्टर, दैट इज अ ट्रेडरी इंडस्ट्री. आपको तीनों इंडस्ट्री समझ में आ गया बेटा आसानी से, आई होप कि आपको क्लियर भी हो गया होगा. और आपको बता देते हैं एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक का मतलब क्या होता है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फार्मिंग, इन द फॉर्म ऑफ माइनिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंक्रीजिंग दिस क्वालिटी ऑफ दिस सोइल, 1+1+2+2+2+4+4 एक्सेट्रा. जैसे क्वालिटी बढ़ती जाएगी, यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उससे भी हम क्या कहेंगे, जेनेटिक इंडस्ट्री कहेंगे. अब आ जाइए सेकेंडरी में. प्राइमरी का मतलब रॉ मटेरियल कलेक्ट किया, प्रोडक्शन को स्टार्ट किया. सेकेंडरी का मतलब वहां पे जो सारा कलेक्शन हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ, उसको फिनिश गुड्स में देना, कंप्लीट करना, कंप्लीट प्रोडक्शन देना. उसके बाद वो कंप्लीट प्रोडक्शन में आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होता है, सारे प्रोसेस को इन्वॉल्व करके गुड्स को बना देता है, उसे सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं. और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स एंड दिस ऑल आर कम्स अंडर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आल्सो बी अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. एंड ट्रेजरी इंडस्ट्री, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू ऑल कि ट्रेजरी इंडस्ट्री होता क्या है, ये आपको समझ में आया होगा आसानी से. Is there any doubts, any difficulties, any problems? Mention the comment box and you can ask me directly. Or you want to the notes of these primary, secondary, treasury, these all notes in detail, I will provide you. Either in the office you can collect me, or when you come to the class you should collect from there only. Okay? I hope ki aapko topic sare clear ho gaye honge. Koi doubts hoga beta to aap puch lijiyega. Koi difficulties hogi sare lecture mein aap log जो भी लेक्चर देख रहे हैं, जो भी न्यूली कमर्स है ऑन यूट्यूबर्स, आपको क्या करना है, यू विल गो वेरी बिगनिंग फ्रॉम माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 11th वाई कॉमर्स. आफ्टर दैट यू विल वॉच ईच एंड एवरी लेक्चर, देन यू आर गोइंग टू गेट द टॉपिक विच आई एम डिक्टेटिंग ओवर हियर. आपको समझ में भी आएगा आसानी से और हर चीज आपको कर सकते हो. मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको इंडस्ट्री के मतलब समझा करके इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करूंगा. देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड ट्रेजरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री बेटा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रिसोर्सेज इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री कलेक्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मेक फिनिश्ड गुड्स. Finished goods called secondary industry. Treasury industry providing the facilities of both industry primary plus secondary in the form of In the form of warehousing, in the form of transportation, in the form of communication, in the form of transferring goods from one place to another place. These all are comes under the treasury industry. I hope कि आपको समझ में आया होगा, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब पढ़ेंगे अबाउट डिटेल इन कॉमर्स, अबाउट डिटेलिंग कॉमर्स इन माई लेक्चर नंबर 9. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. विल मीट यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर.